मायावती ने बहुजन समाज को बीजेपी के हाथों बेच दिया। जी हां, आपने सही सुना। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने दिया बड़ा बयान। आज तक की एक खबर के मुताबिक झारखंड के पलामू आए भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया। चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को घेरा और कहा कि उन्होंने बसपा को भाजपा के हाथों बेच दिया है। बता दें कि चंद्रशेखर यूपी विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और हार गए थे। चंद्रशेखर का मंगलवार को गढ़वा जिले में कार्यक्रम था। यहां मेदिनी नगर में पत्रकारों से बातचीत में चंद्रशेखर ने कहा कि मायावती के चाल ढाल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसे हमें बिखरने नहीं देना है। उन्होंने कहा कि मायावती ने खुद को अपने भाई भतीजे और संपत्ति को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आज तक की इस खबर के मुताबिक भीम आर्मी प्रमुख ने कहा कि मायावती का ये दलित समाज के साथ विश्वासघात है और हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मायावती के घुटने टेकने की वजह से आज देश का हर नागरिक 2 लाख रुपए का विदेशी कर्जदार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में फासीवाद शक्तियों का ताकत से मुकाबला किया जा सकता है और इसके लिए भीम आर्मी अपने दलित समुदाय को एकजुट करने का अभियान चला रही है। चंद्रशेखर ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबंध में एक सवाल के जवाब में कहा कि यूपीए की सत्ता हो या एनडीए की, दोनों सरकारें बहुजन समाज यानी दलित को दबाने के लिए ही हैं। इसे सहन नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर ने बताया कि लातेहार में उनके भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष जगजीवन राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ताकि हमारे कार्यक्रम को विफल किया जा सके। आज तक में लिखी इस खबर में चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि जनतांत्रिक उसूलों के खिलाफ है और इसके विरुद्ध संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा समेत तमाम पार्टियां बहुजन समाज के विरुद्ध हैं और हम डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों के तहत दलित चेतना का काम मरते दम तक करते रहेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।